पंजाब की सत्ता पर एक बार फिर शासन करने के लिए बीजेपी अकाली दल जमकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। प्रचार अभियान के तहत आज फरीदकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा की। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, जो 70 साल में नहीं हुआ हम वो 7 साल में पूरा करने का इरादा रखते हैं। हम देश और पंजाब को नया मुकाम, नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं और जनता आशीर्वाद दे तो उसे पूरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि जो लोग अन्ना हजारे के न हुए वे पंजाब के क्या होंगे। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब के युवाओं को नशेड़ी कहा, उनकी छवि को बदनाम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में बदजुबानी शोभा नहीं देती है। कांग्रेस ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की जिसकी जांच अभी भी चल रही है। वहीं पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा पंजाब की धरती के इस्तेमाल के फिराक में रहता है। अगर यहां सरकार ढीली ढाली आ जाए तो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान को संकट के दौर से गुजरना होगा। इसलिए पंजाब में ऐसी सरकार चाहिए जो देश की सुरक्षा भी कर सके। तो इन दिनों पंजाब में बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक दनादन चुनावी सभा कर रहे हैं। अरुण जेटली ने भी आज होशियारपुर, फगवाड़ा और राजासांसी में चुनावी रैली की, तो कल अमित शाह लुधियाना में रैली करेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।